जेठालाल और दया रास्ते से जा रहे थे, तभी अचानक से दया का पर्स एक चोर चोरी करके भाग खड़ा होता है। दया रोने लगती है और जेठालाल से बोलती है कि जाओ उस चोर को पकड़ो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो। जेठालाल तुरंत ही उस चोर का पीछा करता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे तीन तीन चोर दिखाई देते हैं। तीनों चोर एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। जेठालाल काफी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चोर असली है जिसने दया का पर्स चुराया। क्या आप इन तीनों चोर को देखकर मुझे बता सकते हो कि दया का पर्स किस चोर ने चुराया है? आपका आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं कि तीनों में से कौन सा चोर चोरी किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इन तीनों में से ये बी नंबर वाला चोर है। अगर आपने गौर किया होगा तो उस चोर के हाथ में एक पर्स है जो कि दया का है। वही पर्स चोरी करके यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों, यहाँ जेठालाल के सामने बहुत सारी वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनमें से कोई एक वेजिटेबल्स दो बार आया है। क्या आप सब बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वेजिटेबल्स दो बार आया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर आपने अपना आंसर सही सही कमेंट कर दिया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल पब्लिक हिंदी पहेलियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।